नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। दिन की शुरुआत एक अच्छे काम से हो, इसलिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। मित्रों, जानकारी देने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अपने अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। तो नमस्कार, जय माता दी। मित्रों, दिन की शुरुआत एक अच्छे काम से हो, इसलिए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी जरूर लिखें। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 25 सितंबर के तुला राशि फल के बारे में। तुला राशि वालों के लिए 25 सितंबर का ये दिन कैसा रहेगा, किन चीज़ों में आपको सावधानियां बरतनी चाहिए और किन चीज़ों में आपको शुभ समाचार की प्राप्ति होने वाली है, नौकरी, करियर, व्यापार, पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन, आपके रिश्तों को लेकर, आपकी सेहत, आपकी आर्थिक स्थिति, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं यहां आपको विस्तार से जानकारी देने वाला हूं। मित्रों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और आपकी भी राशि तुला है तो नीचे लाल बटन दबाकर हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि आपको तुला राशि की वीडियो की नोटिफिकेशन प्रतिदिन समय से मिल सके। मित्रों, इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि जब आप वीडियो लाइक करते हैं तब इससे हमें प्रसन्नता मिलती है, ये जानकर कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है और हम आगे भी ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो आपने कीमती समय से एक सेकंड का समय निकालकर आप इस वीडियो पर एक लाइक जरूर दीजिए। देखिए, हमारा ये राशिफल चंद्रमा पर आधारित है, चंद्रमा के आधार पर हम जानेंगे 25 सितंबर आपके लिए क्या कुछ लेकर आया है, आपके जीवन में क्या बड़े बदलाव आज होने वाले हैं, नौकरी में, करियर में, व्यापार में, चाहे प्रेम जीवन हो, चाहे पारिवारिक जीवन हो, क्या कुछ घटनाएं आज आपके साथ घटने वाली हैं, सभी कुछ जानेंगे विस्तार से। आइए सबसे पहले जान लेते हैं ग्रह नक्षत्रों के बारे में। मित्रों, 25 सितंबर को शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि रहेगी, पूर्वोषाढ़ा नक्षत्र है, शोभन नाम का योग है, शुक्रवार का ये दिन है, चंद्रमा आज राशि परिवर्तन करेंगे, चंद्रमा धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करेंगे और ये गोचर होगा सुबह 8:40 पर, जब चंद्रमा धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जबकि सूर्य कन्या राशि में विराजमान रहेंगे। तो ये था ग्रह नक्षत्रों का हाल, इसी के आधार पर हम जानेंगे 25 सितंबर जो कि आपके लिए बेहद भाग्यशाली दिन रहेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें आज के अभिजीत मुहूर्त के बारे में तो ये समय रहेगा सुबह 11:37 से लेकर 12:30 तक, इस समय आप किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा, हर एक दिन एक जैसा कभी नहीं होता है, समय हमेशा बदलता रहता है, समय बहुत बलवान होता है, कोई दिन ऐसा होता है जो हमारे लिए शुभ समाचार की सौगात लेकर आता है तो कभी कोई दिन ऐसा होता है बहुत सी चुनौतियाँ आकर हमारे सामने हमारे जीवन में खड़ी हो जाती हैं और हम उन चुनौतियों का डटकर मुकाबला करते हैं, तो कभी कोई दिन ऐसा आता है हमारे सभी काम आसानी से पूरे होते हैं, सारा दिन हमारे मन में एक प्रसन्नता छाई रहती है, तो कभी कोई दिन ऐसा आता है हमारे बनते बनाए काम बिगड़ जाते हैं, कोई कोई काम तो ऐसे होते हैं जो आखिरी सिरे पर आकर अटक जाते हैं, घर परिवार में गृह कलेश होते हैं, सुख शांति छिन जाती है, हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, सेहत में गिरावट आती है, अचानक से नई नई घटनाएँ हमारे साथ होने लगती हैं। तो मित्रों, ऐसा क्यों होता है मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ग्रह नक्षत्रों की बदलती चाल के कारण ऐसा होता है। देखिए, जब भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तब उसका सकारात्मक प्रभाव यानी अच्छा प्रभाव भी हमारे ऊपर पड़ता है और उसका बुरा प्रभाव भी पड़ता है, यानी कि जब भी कोई ग्रह एक राशि से दूसरी राशि में जाता है तो उसके अच्छे परिणाम भी मिलते हैं, बुरे परिणाम भी मिलते हैं। और इसलिए हर दिन ऐसा होता है जब कोई घटना हमारे साथ हो जाती है तो ऐसा ग्रह नक्षत्रों के कारण होता है, जब कोई खुशखबरी मिलती है तब भी ग्रह नक्षत्रों का अच्छा प्रभाव पड़ने से मिलती है, तो ग्रह नक्षत्रों का बुरा प्रभाव आपके ऊपर ना पड़े इसलिए प्रत्येक वीडियो के अंत में मैं आपको एक बहुत सरल उपाय बताऊँगा जिसको करने से आपको लाभ होगा, चाहे नौकरी हो, करियर हो या व्यापार हो, आपको आर्थिक लाभ होंगे, प्रेम जीवन हो, घर परिवार में सुख शांति का वातावरण बना रहेगा। चलिए बात करते हैं आज का ये दिन आप लोगों के लिए किस तरह से परिवर्तन आपके जीवन में लेकर आया है। देखिए, यहाँ आपके लिए ये जो समय है कुल मिलाकर सकारात्मक रहेगा, आपकी सोच पॉजिटिव रहेगी जिसके चलते आप अपने हर कार्य में उचित निर्णय ले पाएंगे, बहुत सी चीज़ों में आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे और कुछ चीज़ों में सावधानियाँ रखनी हैं। देखिए, कठिनाइयाँ तो
सबके जीवन में आती हैं, लेकिन दोस्तों कठिनाइयों को पार करके जाना ही सफलता की एक अच्छी पहचान है। और तुला राशि वालों को आज अपनी सभी कठिनाइयों को पार करने में ज़्यादा प्रयास नहीं करने होंगे, बड़ी से बड़ी चिंताएं आज आपकी दूर होंगी, क्योंकि ग्रह नक्षत्रों की स्थिति बहुत शानदार आपके लिए साबित होगी। ग्रह नक्षत्रों का जो बदलाव है, परिवर्तन है, आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आया है। इस समय देखिए आपकी आर्थिक स्थिति में काफ़ी बदलाव होंगे, आपको आर्थिक लाभ होंगे, जिससे कि आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। और देखिए जो लोग व्यापारी हैं, रोज़मर्रा की जुड़ी वस्तुओं से व्यापार करते हैं, दिनचर्या देखिए जो लोग छोटे वर्ग के व्यापारी हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा यह समय रहेगा। अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए यदि आप प्रयास करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए समय आपको नए नए मार्ग दिखाई देंगे। और देखिए एक चीज़ का आज आपको ध्यान रखना है, आज आपको छोटा मोटा तनाव या कोई ऐसी परेशानी हो सकती है जो आपकी जिम्मेदारियों से आपका ध्यान भटका सकती है, अपने कार्य क्षेत्र से आपका ध्यान भटका सकती है, यानी आपका दिमाग कई जगहों पर आज लगा रहेगा। मित्रों इसलिए आपको सबसे पहले खुद को फोकस करना है, क्योंकि आज ज़्यादातर समय दूसरों को संदेश भेजने या दूसरों पर फ़ोन बात करने में यानी फ़ोन पर बात करने में आप बिता सकते हैं, लेकिन इस वजह से अपनी ज़रूरी कामों को आज आप अधूरा बिल्कुल ना छोड़ें, क्योंकि ये समय ऐसा है जब आप अपने अधूरे काम पूरे कर पाएँ, ना कि एक अपने काम अधूरे छोड़ें, क्योंकि जो काम आपके अटके हुए थे अगर आप उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे तो वो काम आपके पूरे होंगे। बड़े बड़े काम अगर आपके रुके हुए थे तो आज आप उनको पूरा करने की कोशिश ज़रूर करें। देखिए पहले अपने कामों को पूरा करें, बाद में आपको जो भी बाकी के काम हैं आपको वो काम आप चालू कर सकते हैं, वरना आपको लॉस हो सकता है। मित्रों इस बात का आपको यहाँ ध्यान रखना होगा, आज आपकी अचानक से देखिए कोई खोई हुई कीमती वस्तु वापस मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं। पुराने समय में यदि आपका कोई कीमती सामान खो गया था, कोई वस्तु खो गई थी, तो वो वस्तु आज आपको वापस मिल सकती है, और आप उसे बहुत दिनों से ढूंढ भी रहे थे, तो कोई ऐसी चीज़ यदि थी तो आज आपको वो वापस मिल सकती है। और ये कोई कीमती चीज़ होगी, ये आपका कोई प्यारा सा गिफ्ट हो सकता है, या फिर कोई महत्वपूर्ण पेपर हो सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। तो मित्रों यहाँ पर आपके लिए काफ़ी अच्छे संयोग बने हुए हैं, कुछ भी हो लेकिन उसे आप दोबारा से संभाल कर रखें, दोबारा से उसे गुम ना होने दें। और इन दिनों आप अपने सितारों को, अपने ग्रह नक्षत्रों को धन्यवाद देना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि देखिए आज का ये दिन आपके लिए बहुत शानदार है। नक्षत्र आपके पक्ष में हैं, बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। दोपहर बाद का जो समय है तो यहाँ आज आप अच्छा महसूस करेंगे। इस समय आपके आकर्षण और आपकी कार्य क्षमता से कार्य क्षेत्र में आपको बहुत अधिक लाभ होगा, और इस समय जो आपकी अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं उन प्रयासों में भी आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। बस आप ऐसे ही अपने कामों में लगे रहें, ऐसा ही परिश्रम आप करते रहें। देखिए किसी काम के सिलसिले में कहीं मीटिंग के लिए आपको जाना है तो उसका परिणाम आपके हक में आ जा सकता है। अगर आपकी मीटिंग नहीं भी है तो भी आज आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आएंगे जिससे आपको भविष्य में काफ़ी लाभ की प्राप्ति होगी। मित्रों इसलिए जहां भी आप कहीं मीटिंग में जा रहे हैं या किसी से मिलने आपको जाना है तो उन चीज़ों को अवॉइड ना करें, वहाँ आप ज़रूर जाएँ। चलिए इस राशि के विद्यार्थियों की अगर हम बात करें तो देखिए विद्यार्थी भी आज अपनी किसी प्रतियोगी परीक्षा की वजह से आगे बढ़ सकते हैं, और जो विद्यार्थी स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी किसी प्रतियोगिता का आयोजन हो किया जा सकता है, जो आपके लिए आगे बढ़ने का एक जरिया होगा, जो आपकी पहचान को आगे बढ़ाएगा। आपके प्रयासों को दिखाने का ये समय है, और देखिए आपकी योग्यता यहाँ आपको साबित करनी होगी जिससे आप अपना नाम रोशन कर सकें, अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकें। इसके अलावा देखिए ये समय उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है जो मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, उनके लिए ये समय काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। प्रेम जीवन की बात करें तो देखिए प्रेम जीवन में स्थितियां काफ़ी अच्छी रहेंगी, आपकी और आपके जीवन साथी दोनों का ही अच्छे से तालमेल बैठेगा, अच्छा समय आप अपने पार्टनर के साथ व्यतीत करते हुए नजर आएंगे। सेहत की बात करें तो सेहत भी आज आपकी दुरुस्त रहेगी। तो मित्रों चलिए बताते हैं आज का विशेष उपाय, इस उपाय को आज आप ज़रूर आजमाएँ। प्रातःकाल स्नान करते समय पानी में एक चुटकी हल्दी मिलाकर स्नान करें, इसके अलावा 108 मरतबा ओम नमः शिवाय का जाप करें, अपनी आंखें बंद करके अपनी मनोकामना करें, प्रार्थना करें, रात के समय काले कुत्ते की सेवा करें।
तो मित्रों जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो पर एक लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनि देव लिखना ना भूलें, रोजाना ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।